हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर कौशल यादव फिर से आपका स्वागत करता हूँ मेरी यूट्यूब चैनल पे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉमन सीरप्स यूज्ड इन डेंटिस्ट्री, और डेंटिस्ट्री में कौन से सीरप्स हम यूज़ करते हैं, छोटे छोटे बच्चों को कौन से सीरप्स हम प्रोवाइड करते हैं अगर उनके दांतों में दर्द है या प्रॉब्लम्स है। तो यूजुअली हम लोग दो ही सीरप्स देते हैं, एक एंटीबायोटिक देते हैं और एक पेन किलर देते हैं। ओके, तो इसमें सबसे कॉमन जो हम प्रोवाइड करते हैं वो होता है ऑगमेंटिन ड्यू करके आता है एक सिरप, मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसमें क्या होता है, ये ऑगमेंटिन का सिरप है, इसमें ऑगमेंटिन प्लस पोटेशियम क्लेवोलिनेट आता है। ओके, इसको ऑगमेंटिन डीओ के नाम से भी जाना जाता है। ये एक बेस्ट एंटीबायोटिक कह सकते हैं आप बच्चों के लिए, 5 साल से छोटे बच्चे को जो दवाई नहीं खा पाते हैं उन लोग के लिए ये बेस्ट एंटीबायोटिक हो सकता है। एंड इसमें अब इसको यूज़ कैसे करना है ये आपको पता होना चाहिए। आप इसमें, मैं दिखाता हूँ आपको, इसमें ये पाउडर फॉर्म में आता है। ओके, तो इसको यूज़ कैसे करना है, इस पैकेट के साथ इन्होंने स्टेराइल वाटर नहीं दिया है, तो इसमें आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, आप थोड़ा सा पानी लेके उसको गर्म करके और उसको ठंडा करके फिर इसमें डाल सकते हैं। यहाँ पे एक लेवल दिया हुआ है, यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक लेवल दिया हुआ है, यहाँ तक पानी फिल करना है और इसको अच्छे से मिक्स करना है और आप बच्चे को दे सकते हैं। अगर बच्चा 1 साल से 2 साल के बीच में है तो उसको 2.5 ml ही देना है, 2.5 ml देना है, और अगर वो 2 साल से 5 साल के बीच में है तो उसको 5 ml देना है। इसमें से आप सुबह शाम दे सकते हैं, इसे 2 टाइम देना है ये एंटीबायोटिक। ओके, तो ये ऑगमेंटिन डीओ करके आता है, मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है, आप ले सकते हैं। उसके बाद एक और आता है, ऑगमेंटिन प्लस पोटेशियम क्लेवोलिनेट के फॉर्म में ही आता है एक, इसका नाम क्लेवम होता है, ये क्लेवम के फॉर्म में आता है, ये भी ड्राई सिरप ही है। बट इसके साथ क्या है कि इसके साथ एक स्टेराइल वाटर भी दिया रहता है, मैं दिखाता हूँ आपको। तो इसका ये ऑगमेंटिन ऐसे करके आता है, ये क्लेवम के नाम से आता है, ये इसके साथ स्टेराइल वाटर देता है ये, तो आप स्टेराइल वाटर इसमें मिक्स कर सकते हैं। अब अलग से पानी नहीं लेना आपको, ये स्टेराइल वाटर इसमें मिक्स करना है, इसका भी एक लेवल दिया हुआ है यहाँ तक, तो आप इस स्टेराइल वाटर को इसके अंदर डालेंगे और अच्छे से विग्रेसली मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद आप वही 1 से 2 साल के बच्चों को 2.5 ml देना है, सुबह शाम देना है, और जो 2 साल से बड़े हैं, 5 साल तक है, उनको आप 5 ml दे सकते हैं। ठीक है, यूजुअली आप अगर स्पून से नहीं दे पा रहे हैं तो इसमें एक, इसके ढक्कन में एक वो लिखा आता है, मार्किंग्स होती है अगर आप देखेंगे तो, अगर अगर 1 साल से 2 साल के बच्चों को देना है तो 2 ml, यहाँ पे लिखा हुआ है 2.5 ml करके आता है ये, तो यहाँ तक आप दे सकते हैं। अगर 2 साल से बड़ा बच्चा है तो 5 ml करके दे सकते हैं आप। ठीक है, सुबह शाम देना है। तो ये था आपका ऑगमेंटिन डियो और ऑगमेंटिन क्लेवम करके आता है, ये बेस्ट एंटीबायोटिक है, आप दे सकते हैं। अगर बच्चों को इन्फेक्शन हो रहा है तो आप ये दे सकते हैं। ओके, उसके बाद आता है एक सिफेक्सिम करके आता है। ओके, सिफेलोस्पोरिन ग्रुप का एक ड्रग है ये, सिफेक्सिम ओरल सस्पेंशन, टेक्सिम ओ करके आता है ये। ओके, तो ये टेक्सिम ओ करके ये सीरप आता है, ये भी आप एज एन एंटीबायोटिक दे सकते हैं आप बच्चों में। ओके, इसके साथ भी इस पैकेट में भी स्टेराइल वाटर आता है इसके अंदर, मैं दिखाता हूँ आपको। तो इसके अंदर भी ये ड्राई सीरप के फॉर्म में ही है ये, तो इसके साथ ये पाउडर आता है, ये देखिए इसके साथ ये पाउडर आता है और इसके साथ स्टेराइल वाटर आता है, तो सेम वैसे ही करना है आपको, ये स्टेराइल वाटर को इसमें मिक्स करना है, एक लेवल दिया हुआ है यहाँ तक, उस लेवल तक डालना है और अच्छे से मिक्स करके ट्वाइस अ डे ये देना है आपको। तो ये सिफेक्सिम ओरल सस्पेंशन टेक्सिम ओ करके आता है ये, आप मार्केट में इजीली अवेलेबल है, आप ये भी दे सकते हैं, ये आप पैकेट देख लीजिए, ऐसे फॉर्म में आता है ये। ठीक है, उसके बाद इस सिफेक्सिम में भी 2 टाइप के आते हैं, एक आता है
50 mg पर 5 ml करके आता है, और एक 100 mg पर 5 ml करके आता है। मैं दिखाता हूँ आपको, ये दोनों दो पैकेट में आता है। ये एक आता है 50 mg पर 5 ml आता है, और एक 100 mg पर 5 ml आता है। ये जिफी के नाम से आता है, जिफी 50 और ये जिफी 100 के नाम से आता है ये। पर इसमें क्या है कि अगर बच्चा 5 साल से छोटा है तो आप ये जिफी 50 दे सकते हैं उसको, और अगर 5 साल से बड़ा है तो उसको जिफी 100 आप दीजिए। ओके, ये इफेक्टिव होता है बहुत, तो आप उसको दे सकते हैं। ये सेफेलोस्पोरिन ग्रुप का एंटीबायोटिक है ये, तो ये भी इन्फेक्शन में बहुत हेल्पफुल होता है। उसके बाद एक और एंटीबायोटिक आता है, उसी ग्रुप का है, सिफोडॉक्सिम करके आता है। सिफोडॉक्सिम ओरल सस्पेंशन, जिसे मोनोसेफ भी बोला जाता है। तो ये मोनोसेफ ओ करके आता है, 50 50 करके आता है ये मोनोसेफ ओ 50, ऐसे आएगा ये। आप ये 5 साल से नीचे बच्चे को दे सकते हैं। उसमें भी एक कंडीशन है, अगर 1 साल से 2 साल का बच्चा है तो उसमें भी आपको 2.5 ml देना है, उससे ज़्यादा नहीं देना है। इसमें भी सेम एक पाउडर फॉर्म में आता है ये, सेम ये देखिए पाउडर फॉर्म में आता है ये, देख पा रहे हैं आप ये। और इसके साथ 2 स्टेराइल वाटर दिया गया है, तो इसको मिक्स करना है आपको, और इसको अच्छे से शेक करके फिर इसको बच्चे को सुबह शाम देना है ये। तो ये मोनोसेफ ओ करके आता है, ये भी एक बेस्ट एंटीबायोटिक कह सकते हैं आप। उसके बाद इसमें भी 2 टाइप का आता है, एक मोनोसेफ 50 था और एक मोनोसेफ 100 करके है। तो 5 साल से ऊपर वाला बच्चा है तो आप उसको ये मोनोसेफ 100 प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, उसके बाद ये तो था एंटीबायोटिक। उसके बाद पेन किलर की अगर बात करते हैं, तो पेन किलर में जो सबसे कॉमनली हम लोग देते हैं वो आइबुजेसिक देते हैं। आइबुजेसिक का अभी मेरे पास है नहीं, बट मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको लाके दिखाऊंगा। तो जो आइबुजेसिक में भी 2 आता है, एक आइबुजेसिक आता है, एक आइबुजेसिक प्लस करके आता है। तो आइबुजेसिक आपको थ्राइज अ डे देना है, दिन में 3 बार देना है, सुबह दोपहर शाम देना है पूरे दिन में। और उसके बाद आइबुजेसिक प्लस होता है, तो इसमें एक चीज़ याद रखना है आपको कि अगर आप आइबुजेसिक दे रहे हैं, पेन किलर दे रहे हैं, तो उसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर आइबुजेसिक प्लस दे रहे हैं तो 5 ईयर्स से ऊपर वाले बच्चों को देंगे, और जो 5 साल से नीचे वाले बच्चे हैं उसे आइबुजेसिक ही देंगे, तब वो अच्छा असर करेगा। ओके, उसके बाद बहुत सारे पेन किलर आते हैं, डेक्लोफेनेक करके आता है सिरप, वो भी आता है। फिर उसके बाद अगर माइल्ड पेन है, अगर बच्चों को माइल्ड पेन है, ज़्यादा पेन नहीं है, तो आइबुजेसिक नहीं देना है। आप प्लेन पैरासिटामोल भी दे सकते हैं, तो प्लेन पैरासिटामोल आता है ये बच्चों के लिए, एक आता है ये पैरासिप करके नाम आता है, तो ये पैरासिटामोल पेडियाट्रिक यूज़ के लिए ही है ये। अगर माइल्ड पेन है तो पैरासिटामोल अगर देंगे तो वो चल जाएगा। ठीक है, आपको एक बात ध्यान रखना है, अगर कोई बच्चे को अगर अस्थमा है या फिर ऐसी कंडीशन है तो उसमें आइबुजेसिक आप नहीं देंगे, ये ध्यान रखना है आपको। ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, आप नहीं दे सकते हैं उसमें ये। तो आप प्लेन पैरासिटामोल, ये जो सीरप आता है, वो भी दे सकते हैं, तो वो बच्चों का पेन कम हो जाएगा। ओके, और अगर आप और पेन किलर देना चाहते हैं तो प्लीज़ डॉक्टर से कंसल्ट कर ले पहले कि कौन सा मेडिसिन देना है, उसके बाद आप ये दे सकते हैं। तो ये कुछ हमारे मेडिसिन्स थे जो आप सिरप फॉर्म में थे जो बच्चों को दे सकते हैं, क्योंकि ये कन्फ्यूजन होता है कि अब बहुत सारे बच्चे होते हैं कि वो दवाई नहीं खाते हैं, तो अब कौन सा मेडिसिन उनको दें, कौन सा सिरप उनको दें। तो आप ये सिरप प्रोवाइड कर सकते हैं 5 साल से नीचे वाले बच्चों को, और जो 5 साल से ऊपर वाले बच्चे जो दवाई नहीं खा पा रहे हैं तो उनको भी आप ये प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, तो ये था। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।